गोंडपीपरी तहसील के शबरी घरकुल योजना के लाभार्थियों ने पूर्व जिला परिषद अमर पोडलावार के नेतृत्व में गोंडपीपरी पंचायत समिति कार्यालय के सामने आंदोलन किया, जिसके तहत 2 घंटों के भीतर अधिकारियों ने लिखित आश्वासन आंदोलनकारियों को दिया। शासन के निर्णय के अनुसार गोंडपीपरी तहसील के शबरी घरकुल योजना का सैकड़ों लाभार्थियों को उनके कामों का मुआवजा नहीं मिला। बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी 2 वर्षों के बाद भी MREGS के अंतर्गत अनुदान की निधि न मिलने से संतप्त लाभार्थियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर बोडलावार के नेतृत्व में गोंडपीपरी पंचायत समिति कार्यालय के सामने आंदोलन किया, और जिससे अधिकारी तुरंत हरकत में आते हुए इस आंदोलन के असर के चलते उन्होंने लिखित आश्वासन आंदोलनकारियों को दिया, और लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन पीछे लिया। वही पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर बोडलावार ने कहा कि लिखित आश्वासन पर अगर महीने के भीतर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे लाभार्थियों के साथ जिला परिषद के सामने तीव्र आंदोलन करेंगे। तो सुनिए इस संबंध में पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर बोडलावार ने क्या कहा। सन 2016-17 शबरी घरकुल योजना अंतर्गत चक दुबार पेट या ग्राम पंचायत घरकुल मंजूर झाले होते, परंतु सन 16-17 या वर्षातच त्या लाभार्थींनी घर पूर्ण केले। MREGSमधून 18,000 रुपये त्यांना अनुदान जे मिळायचं होतं, 2 वर्ष त्यांनी कठापोट करूनसुद्धा विनंती अर्ज करूनसुद्धा त्यांना MREGS योजनेचे अनुदान त्यांना मिळाले नाही। आपण पंचायत समितीनं निवेदन दिलं 10/7/2019 रोजी, तर 10 दिवसानंतर आम्ही उपोषणाला बसू। आज आम्ही 22/7/2019 त्या रोजी आम्ही पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलो आहोत। त्यांना अनुदान मिळलं नाही, यापेक्षाही तीव्र आंदोलन आम्ही करू अशी ग्वाही दिली। सिटी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता नितेश डोगरे की रिपोर्ट।